नहीं, आपने विद्यांजलि का मेहंदी का और इंडिगो पाउडर लगाया और आपके बाल एकदम ब्लैक, जेड ब्लैक दिख रहे हैं, तो किस प्रोसेस से आपने लगाया और क्या किया इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। मैंने विद्या इंडिगो और हिना पाउडर को मिक्स करके चाय पत्ती और आंवले के पानी में भिगो दिया था। मतलब पहले चाय पत्ती और आंवले को उबाला पानी में, उस पानी को ठंडा करके उसमें दोनों पाउडर को मिक्स करके भिगा दिया। 4-5 घंटे जब फूल गए दोनों पाउडर, उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा दही और थोड़ा नींबू मिला के कंडीशनर की तरह अप्लाई कर लिया और अभी मैंने बाल धोए तुरंत। कितने घंटे तक गला के रखा था? 4 से 5 घंटे। और कितनी देर तक अप्लाई किया आपने बालों पे? तो इंडिगो पाउडर और दोनों मेहंदी का दोनों मिक्स कर दिया आपने बराबरी से? तो उसको तो उस पर तो लिखा है स्टेप वन स्टेप टू मिक्स करने का मना किया है, तो थोड़ा शॉर्टकट अपना के मिक्स कर दिए और लगा लिए, 1.5 घंटा रख के बालों में धो लिए बाल। रिजल्ट इज दिस। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गए। तो प्रोसेस तो वही है ना, स्टेप वन स्टेप टू, 2 घंटे पहले लगाओ 2 घंटे बाद। तो अब आपको कैसा रूखा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? थोड़े बाल तो अभी ड्राई लग रहे हैं। हाँ, तो फिर शैम्पू, 1-2 दिन बाद शैम्पू करेंगे तब फिर सॉफ्ट हो जाएंगे वो। अभी तो मैं उसमें ऑयली मसाज करूँगी तेल का, समर ऑयल से, और उसके बाद 2 दिन बाद फिर मैं इसको शैम्पू करूँगी, तब फिर पता चलेगा एग्जैक्ट कि कड़क है नरम है। मेहंदी के कारण तो कंडीशनिंग होगी होगी, इंडिगो से कलर आ जाएगा। इसके पहले कभी आपने बाल डाई किए हैं? डाई कभी नहीं किए। कभी डाई यूज़ नहीं करी? नहीं, ऐसी कोई मेहंदी जिसमें कि डाई मिलती थी? सिर्फ फिनाई किया हमेशा एज अ कंडीशनर। अच्छा, तो उससे रेडिश हो जाते थे बाल, तो इससे थोड़ा ब्लैकिश ज़्यादा हो रहे हैं। तो आर यू हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट? यस आई एम।